नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड में विधानसभा सत्र तो शुरू हुआ, लेकिन स्टूडेंट की उम्मीदें कितनी खरी उतरी इस पर बात करेंगे और उन विधायकों के बारे में बताएंगे जो सदन के बाहर तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगा देते हैं और अंदर जाकर क्या करते हैं। साथ ही साथ JPSC को लेकर चल रहे मंथन पर भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय किस नियुक्ति को लेकर के दिया है, तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। इस बार लाइब्रेरी के पद के लिए भी बिहार में वैकेंसी आ रही है। अमीन के बाद लगातार वहां वैकेंसी आने का सिलसिला जारी है। झारखंड में क्या कुछ होगा इस पर आपके साथ डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाएंगे जिसमें विनय IAS एकेडमी के मैनेजमेंट हेड कुमारी भावना के विवाह समारोह का, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पिछले 16 वर्षों से कुमारी भावना विनय IAS एकेडमी के साथ हैं और उनके आने के बाद ही विनय IAS एकेडमी की इतनी शाखाएं खुल पाई। शिमला में विनय IAS का शिमला यूनिवर्सिटी हो पाया। इसके अलावा जो आप इतना सोशल मीडिया देखते हैं, YouTube में जिन आर्टिकल्स को आप देखते हैं, जो विनय IAS एकेडमी .com पर जिस आर्टिकल को देखते हैं, उन तमाम चीज़ों की एडिटिंग और उन तमाम चीज़ों में कुमारी भावना का प्रमुख योगदान है। विनय IAS एकेडमी और झारखंड अब तक न्यूज चैनल इनके और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत कर लें और ये बताएं कि आज जो बजट सत्र शुरू हुआ था, उस बजट सत्र में एक बार भी किसी मुद्दे पर बात नहीं हुआ जो जनता से जुड़ा हुआ था, यानी कि पारा शिक्षकों के मुद्दे पर जो उम्मीद की जा रही थी कि उनके बारे में कुछ बोला जाएगा, वहां पर सरकार गौन हो गई। JPSC को लेकर 2011 डेट करने को लेकर जो एज कट ऑफ की बात कर रही थी, इस पर जो सदन के बाहर जिन विधायकों ने दावा किया था कि वो सरकार पर दबाव डालेंगे, वो आवाज उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। यानी कि उन तमाम दावे धरे के धरे रह गए, बल्कि ये स्टूडेंट्स के दिमाग में भी आ रहा है कि बाहर में जितने भी विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, वो मंत्री हों या विधायक हों, आखिर सदन के अंदर जाते साथ इनकी चुप्पी क्यों हो जाती है, इनकी बोलती बंद क्यों हो जाती है। सदन के बाहर स्टूडेंट्स को बड़ा बड़ा वादा करना, स्टूडेंट्स के पक्ष में बात करना और सदन के अंदर जाने के बाद तमाम चीज़ें गौन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि इस बार झारखंड के स्टूडेंट्स भी कृत संकल्प है। वह गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, ट्विटर में अभियान चला रहे हैं और इसका असर आने वाले समय में जरूर दिखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरोगा अभ्यर्थी वाले मामले पर 6 सप्ताह का समय दिया और कहा है कि इन्हें फिर से रीज्वाइनिंग करवाया जाए, पुनर्बहाल करवाया जाए। क्या ऐसा ही आदेश दूसरे अन्य विभाग में भी आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा JPSC पर भी कई ऐसे अभ्यर्थियों का नाम है जिनका गलत चयन हुआ और जो लोग जिम्मेवारी के साथ जो पद को निभाते, जो लोग मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हो सकते थे, उन्हें बाहर रखा गया। आज वो दूसरे राज्य में हैं अथवा वो बेरोजगार हैं। इसके बारे में भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही निर्णय दे और इन तमाम अभ्यर्थियों को फिर से नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दे। TGT अभ्यर्थियों का भी लगातार घेराव और आंदोलन चल रहा है, खास करके हिस्ट्री, सिविक, संस्कृत और म्यूजिक वाले टीचर का, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, इसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है, वह अपनी मनमानी कर रही है। देखना पड़ेगा कि क्या सरकार वास्तव में चेतती है या फिर वह अपने मनमानी पर ही रह जाती है, आदेश नहीं दिया जाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सुधीर त्रिपाठी जब मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिलने पहुंचे थे, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई थी। उन्होंने ये पूछा था कि क्या जो वैकेंसी है JSSC का, उसे सभी को रद्द कर दिया जाए, क्या JSSC की जो मेरिट लिस्ट अलग अलग विभाग की बनी हुई है, क्या उसका कैंसिलेशन कर दिया जाए या फिर इसका रिजल्ट निकाला जाए। सुखदेव सिंह ने उन्हें ये समझाया है कि इसके लिए इंतजार करना चाहिए, 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी मामले का जजमेंट आने वाला है, इसके बाद ही इस पूरे मामले पर अगर फैसला दिया जाए तो ये बेहतर होगा, इसी चीज को समझाया गया है। वहीं दूसरी ओर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आंदोलन लगातार कर रहे हैं। इनकी डिमांड है कि कम से कम 11 जिले में भी
नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया जाए। 11 जिले में अगर नियुक्ति प्रक्रिया होती है तो इससे उनको राहत होगा और वो जो इतने वर्षों से बेरोजगार बैठे इसका फायदा मिलेगा। झारखंड में जब पुरानी सरकार थी जिसमें मुखिया रघुवर दास थे, उस समय में तमाम लोगों ने कहा था कि इस सरकार से कुछ होने वाला नहीं है, लिहाजा नई सरकार को लाना होगा। जो सरकार आज सत्ता में है, इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम सत्ता में आते साथ 45 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों की समस्या का हल कर देंगे, 45 दिनों के अंदर 2016 जेटेक उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की नौकरी दे देंगे, काउंसिलिंग करवा देंगे, 45 दिनों के अंदर नया जेटेक परीक्षा ले लेंगे, 45 दिनों के अंदर जेपीएससी को दुरुस्त करेंगे, जेपीएससी की परीक्षा लेंगे और 45 दिनों के अंदर वो तमाम एग्जाम होगा जो रुका हुआ है। हालांकि इसमें जेपीएससी वाले चीज़ों पर सरकार खरी उतरी है। छठी जेपीएससी कई विवादों में था लेकिन छठी जेपीएससी को क्लियरेंस देने का श्रेय नई सरकार के हेमंत सोरेन को ही जाता है। सातवीं आठवीं नौवीं और दसवीं जेपीएससी की वैकेंसी लाने का श्रेय भी जरूर से हेमंत सोरेन को जाता है। लेकिन इस वैकेंसी के आने के बाद ये भी उम्मीद है 2011 का एज कट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि कई विद्यार्थी बिना परीक्षा लिखे बैठे बैठे ही उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, यानी कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों की डिमांड है कि उन्हें एक मौका तो जरूर मिलना चाहिए जिससे कि उनकी जिंदगी संवर सके। जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी के भी स्टूडेंट्स की यही व्यथा है, उनकी भी यही पीड़ा है कि उनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। सभी सरकारें आती हैं, उन्हें कमिटमेंट कर देती हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हालांकि जेपीएससी ने अपना रिसेंट कैलेंडर तो जारी किया है, अब ये कैलेंडर क्या इस वर्ष परीक्षा ले पाएगा? जिस प्रकार से कैलेंडर है कि 2 मई को जेपीएससी होगा और एग्रीकल्चर ऑफिसर वाली जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो शुरू होगी, मेडिकल ऑफिसर का होगा, प्रोफेसर की आज से इंटरव्यू भी शुरू हो गई है, लेकिन क्या जेएसएससी ऐसा कैलेंडर लाएगा? क्योंकि जेएसएससी के एग्जाम्स को ज़्यादा बच्चे लिखते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे लिखते हैं और इनका मानना है कि जेएसएससी के बारे में सरकार को जरूर से सोचना चाहिए। हम आपकी आवाज़ बनकर हमेशा खड़े रहेंगे, हम वो चीज़ को दिखाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी होता है। हमें आप ट्विटर में विनय कुमार सिंह 1510 पर फॉलो कर सकते हैं। आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर में बैठ कर के तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, उन 80 विद्यार्थियों का वीडियो देखेंगे जो लोग क्वालिफाई किए हैं और उन तमाम लोगों ने अपनी रणनीति कैसे बनाई थी जो अलग अलग स्थान पर वर्तमान में पदस्थापित हो चुके हैं। रांची और जमशेदपुर में हमारा आप सीधा मार्गदर्शन ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। इस मार्गदर्शन में 80 चयनित भी आपका साथ देंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कमिटमेंट कर रखा है कि वो उनके साथ खड़े हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले बार टॉपर्स में आपका नाम आएगा और आपका इंटरव्यू हम कर रहे होंगे। हमें काफ़ी प्रसन्नता होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि पेशेंस रखना ही ये बहुत बड़ी कला है। आप जितना तैयारी करते हैं उतना पेशेंस भी चाहिए आपको। कभी कभी स्टूडेंट पेशेंस लूज कर देते हैं, लेकिन याद रखना है कि जो आज 1 नंबर से 2 नंबर से इस दौड़ में पिछड़ जा रहे हैं वो सर्वोत्तम है, वो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ओलंपिक में आप देखते होंगे कि जब किसी का ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिल पाता है वह 0.1 सेकेंड से छूट जाता है, लेकिन वह अपनी मेहनत को अगर बरकरार रखे तो उस कंडीशन पर वह एक दिन गोल्ड मेडल का हकदार हो जाता है। इसलिए आप कभी भी पेशेंस लूज मत कीजिए, उम्मीद रखिए। हम मानते हैं कि ये सरकार में उम्मीद रखना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से आज केंद्र में और राज्य में नौकरी की समस्या चल रही है ये बहुत ही दुखद है। लेकिन आने वाला वक्त आपका होगा, जरूर से वैकेंसी आ रही है और जो भी वैकेंसी आएगी, जो लोग मेहनत किए हैं, जिनके पास योजना है, प्लानिंग है, वही सफल होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, अंतिम समय में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए आपको तैयारी में लग जाना है। समाज में कौन क्या कहता है, कौन आपको कितना डीमोटिवेट करता है, कौन आपका उत्साह नहीं बढ़ाता है, इन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कमेंट करने वाले लोग जिस दिन आप सफल हो जाएंगे आपके साथ आकर के खड़ा हो जाएंगे। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।